इंडियन आर्ट एंड कल्चर का हमारा सीरीज चल रहा है नितिन सिंघानिया से और एनसीईआरटी से कुछ कंटेंट, ठीक है। तो हमारा जो इस पे कई सारे लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो लेक्चर होगा वो बेसिकली केव्स के ऊपर होगा। तो हमेशा इंडियन केव्स के बारे में, कहाँ पे लोकेटेड है, किसका वहाँ पे स्कल्पचर है, ये सारी चीज़ें कैसी पेंटिंग है, तो ये से रिलेटेड सवाल यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर में पूछता है। तो हमारे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर का पहला जो केव है वो अजंता केव है। इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट केव, ठीक है। तो हम इसमें जो डिस्कस करेंगे केव आर्किटेक्चर में, जो कि रॉक कट केव है, ठीक है। रॉक कट केव में क्या होता है कि बड़ा सा सपोज रॉक है और उसको कट कट कर करके कुछ मतलब इस तरीके से बना देना, आर्किटेक्चर बना देना कुछ, इसको बोलते हैं रॉक कट केव। तो इस रॉक कट केव से जितने भी केव्स बने हुए हैं रॉक कट मेथड से, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमेशा इससे सवाल पूछता है, ठीक है। तो पहला केव जो हमारा अजंता केव है, अजंता केव जो लोकेटेड है ये नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये सबसे पहले मेंशन जिसके द्वारा किया गया था, एक चाइनीज़ पिलग्रिम आया था योन सियांग, उसके द्वारा मेंशन किया हुआ था। हालांकि उसने इस केव्स को विजिट नहीं किया था, जब वो आया था तब अपने इस केव को विजिट नहीं किया था, लेकिन जो सुना था उसी के हिसाब से उसने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। और बाद में इसको डिस्कवर किया गया क्योंकि जब ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिसर्स जो है वो हंटिंग के लिए निकले थे 1819 में, तब उन्होंने इस केव को डिस्कवर किया था। और यहाँ पे टोटल 29 केव है, जो कि किससे रिलेटेड है, जिसमें चैत्य है, ठीक है, और बिहार दोनों है। तो 5 केव तो चैत्य है, 24 बिहार है। ये नंबर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 29 केव्स मिले हुए हैं और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे कंपेयर करने में अदर केव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये अगर हम देखें 1st सेंचुरी BC का और 5th सेंचुरी BC का जो सर्वाइविंग केव्स है, उनमें केव का पेंटिंग है, वाली यही केव है जहाँ पे पेंटिंग्स जो है तब अभी 1st सेंचुरी से 5th सेंचुरी BC का अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो इसमें जो बुद्धा का जो भी आर्किटेक्चर मिला हुआ है उसमें बुद्धा की पेंटिंग्स जो मिली हुई हैं उसमें बुद्धा की लाइफ को दिखाया गया है, और बेसिकली जो जातक स्टोरी को बताई गई है, मतलब जो बुद्धा की प्री जन्म की कहानियाँ थी, ठीक है, जो प्री उनके पुराने जन्म की कहानियाँ थी उसके बारे में पेंटिंग के माध्यम से बताई गई है कि बुद्धा ऐसे थे, ये सब था, ठीक है। तो इसमें जो याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसके द्वारा मेंशन किया गया था, कितने केव्स हैं और कैसे ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे किसका केव है, किसको सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। तो ये अजंता केव के बारे में था। अजंता केव की इमेज हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह परपेंडिकुलर फॉर्म में इसको बनाया गया हुआ है, ठीक है। और इवन तो यहाँ पे 2 मंजिला केव्स भी देखने को मिला है, 2 मंजिला केव्स भी देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे कोर्टयार्ड वगैरह नहीं मिले हैं। तो ये अजंता का केव का जो है कि इमेज था। नेक्स्ट जो है हमारा वो एलोरा केव है। एलोरा केव भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है और पूछे जाने का भी चांस है कि अजंता में बस देखो बुद्धिज्म का ज़्यादा मिला हुआ, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो या आर्किटेक्चर हो, जो भी हो, ठीक है। लेकिन एलोरा में क्या था, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये तीनों से रिलेटेड है। मतलब ये थोड़ा लेट बना था, तब कि जब हिंदुज्म वगैरह भी काफ़ी प्रिविलेजेस पे थे अपने उस समय जो है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों पेंटिंग्स वगैरह अगर देखोगे तो तीनों के मिलते हैं, चाहे हिंदुज्म के हो, चाहे बुद्धिज्म के हो, चाहे जैनिज्म के हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 34 बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन के, वहाँ पे कितना मिला था 29, और यहाँ पे कितना मिला था 34। तो अगर पूछे सबसे ज़्यादा केव्स कहाँ पे मिले हैं तो वे एलोरा में मिले हैं, मतलब अजंता एंड एलोरा में अगर डिफरेंस पूछे तो ज़्यादा एलोरा में मिले हुए हैं। यहाँ पे जो एक अलग सी स्टाइलिस्टिक, एक अलग सी स्टाइल था इनके जो केव्स वगैरह थे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जो स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट के द्वारा ये बनाया हुआ था। तो इतना अगर पॉइंट याद रहेगा तो भी एग्जाम में जो है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। ये एलोरा केव्स का एग्जाम्पल है, ये मतलब कि इमेज है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो अजंता एलोरा दोनों कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भीम बेटिका केव।
भीमबेटका केव जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भीमबेटका केव बहुत सारे PCS एग्जाम में जस्ट एक फैक्ट के रूप में भी इसको भीमबेटका केव के बारे में पूछा हुआ है, और इवन इसको माना जाता है बिगेस्ट प्री हिस्टोरिक आर्ट डिपोजिटरी इन इंडिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो था आर्ट डिपोजिटरी का ये बिगेस्ट प्लेस माना जाता है, ये इतना ही इसमें याद रखने के लिए ज़रूरी है। ये मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव्स मिलते हैं उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, इमेज है। नेक्स्ट आता है एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव जो है तो ये मुंबई का जो तट है, ठीक है, मुंबई से थोड़ा सा दूर हटके एलिफेंटा केव है, लेकिन मुंबई में इसको माना जाता है। यहाँ पे एलिफेंटा केव जो है कि ये मोस्ट एक्सक्लूसिवली कार्व्ड टेम्पल, मतलब बहुत ही ज़्यादा कार्व्ड टेम्पल यहाँ पे मिले हैं। शिव का टेम्पल मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, शिव से रिलेटेड है ये। और सेंट्रल अट्रैक्शन हियर इज 20 फुट हाइट बस स्टॉप, इतना मतलब कि याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे थ्री हेडेड फॉर्म्स मिले हुए हैं। थ्री हेडेड फॉर्म मतलब कि जो शिव का जो मूर्ति है वहाँ पे, जो इमेज है वहाँ पे शिव का, उसमें तीन मूर्ति मतलब कि हेड मिले हुए हैं। तीनों हेड किससे रिलेटेड है, तीन, एक को अग्रहरी, एक तो अघोरी बोलते हैं एक हेड को, दूसरे को अर्धनारीश्वर, तीसरे को महायोगी। ठीक है, अघोरी जो है एक अग्रेसिव फॉर्म है शिव का, अघोरी, अगर तीनों में दे दे क्या डिफरेंस है अघोरी फॉर्म में और अर्धनारीश्वर में और महायोगी में, तो अघोरी शिव का एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है जिसमें वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और दूसरा भाई अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में क्या होता है कि आधा जो है नर का जो होता है बॉडी, आधा जो है वो मतलब मेल का होता है, आधा फीमेल का होता है। और महायोगी में फेस में क्या होता है कि वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो ये तीनों फेस क्या बताते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलिफेंटा केव कहाँ पे लोकेटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके इमेजेस देख सकते हैं एलिफेंटा केव के जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट आता है हमारा महाकाली केव। महाकाली केव भी जो है मुंबई में है, उदयगिरी हिल्स में है ये। तो ऐसे भी कभी कभी पूछता है कि उदयगिरी के केव्स, तो उदयगिरी के केव्स जो है वो एक जगह नहीं है, क्योंकि अब उदयगिरी का हिल जो है वो काफ़ी रेंज में है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज ये जो रीजन है उड़ीसा वाला, यहाँ पे भी एक उदयगिरी का केव मिलता है, MP में भी मिलता है, और महाराष्ट्र में भी यहाँ पे देख रहे हो कि महाकाली केव्स मिलते हैं। तो उदयगिरी हिल्स में कई सारे केव्स हैं, लेकिन वहाँ के प्लेस के अकॉर्डिंग जो है कि नेम हर केव्स का अलग अलग है, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। और कभी किसी को पता होता है कि बस मुंबई में है, किसी को पता होता है कि बस उड़ीसा में, इस तरीके से। लेकिन ये जो है महाकाली केव्स वो उदयगिरी हिल्स मुंबई में है। ठीक है, तो ये बस इसमें ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, और एक ही केव नहीं है उदयगिरी हिल्स में, ये याद रहे। तो ये जो है कि महाकाली केव्स है जो कि उदयगिरी में है। नेक्स्ट आता है कन्हेरी केव्स, जो कि ये भी मुंबई में है। सेकेंड लार्जेस्ट चैत्य गृह है ये। चैत्य हमने देखा था क्या होता है, प्रेयर्स हॉल होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क हो या जैन के मॉन्क हो, जहाँ पे प्रेयर करते हैं, ठीक है, उस हॉल को क्या बोलते हैं, चैत्य गृह बोलते हैं। और यहाँ पे लायन पिलर्स, मतलब कि इनका जो एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पे लायंस के पिलर्स मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इमेज जो बुद्धा के मिले हुए हैं वो बहुत स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों पोजीशन में मिला हुआ है। जो बुद्ध की जो इमेजेस मिली हुई है उसमें वो खड़े भी हैं और बैठे हैं दोनों पोजीशन में। यहाँ पे कान्हेरी केव्स मुंबई में उनके इमेजेस मिले हुए हैं। और फेमस सतवाहन के जो किंग थे, मतलब गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके द्वारा उनका जो है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिला हुआ है, मतलब यहाँ के इंस्क्रिप्शन पे उनका नाम भी मिला हुआ है। जब यहाँ को इसको एक्सिवेट किया गया, इसको जब इसकी जब खुदाई वगैरह हुई, तो वहाँ पे देखा गया कि इस केव में उनका नाम भी मिला हुआ है। तो ये कहाँ पे है, कान्हेरी के मुंबई में, ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट चैत्य गृह है ये। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट केव है वो है बाजा केव। बाजा केव जो है ये पुणे में है, और ये हीनयान फेथ से रिलेटेड है। हमें पता है कि जो है कि बाद में हीनयान और महायान में जो डिवाइड हुआ था, तो ये जो प्री हीनयान क्या था, जो पहले जिसमें बुद्धा फेथ रखते थे कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उस चीज़ को यहाँ पे डिपेक्ट किया गया मतलब कि बाजा केव में। ठीक है, और है जो वुडन सीलिंग एंड चैत्य गृह है, तो यहाँ पे वुडन का जो लकड़ी की सीलिंग भी इसमें मिली हुई, मतलब सिर्फ पत्थर को कट करके नहीं बनाए गए हैं, इवन द लकड़ी का यूज़ भी यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बाज केव कहाँ पे, पुणे में है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कार्ले केव, ये भी पुणे में है। ठीक है, इसको लोनावाला में है, पुणे में है। और
तो यहाँ पे इतना ही मतलब इसका ये केव कहाँ पे लोकेटेड है ये बस याद रखना ज़रूरी है, और कुछ खास यहाँ से मतलब पूछता नहीं है, बस लोकेशन कहाँ पे है ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पंडोलेनी केव, जो कि नासिक में है। देखो नाम तो है इसको पंडोलेनी, लेकिन यहाँ पांडव जो थे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ लोग का बिलीव है कि वो जब घर छोड़े थे तो वो यहाँ पे जो है कुछ दिन रहे हुए थे, इसलिए इस केव का नाम पांडोलेनी केव जो है पड़ गया है, लेकिन उस पांडु से कोई लेना नहीं है, लेना देना नहीं इनको, इनको पांडुलेनी केव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये नासिक में लोकेटेड है। नाम भले पांडोलेनी केव्स है, लेकिन ये बिलोंग करते हीनयान पीरियड ऑफ द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। हमने पढ़ा था कि बुद्धिस्ट बाद में हीनयान महानयान में डिवाइड हो गए थे दो में, तो हीनयान वाला जो है यहाँ पे भी मिलता है, जो मतलब नासिक में, और हीनयान जो है कार्ले केव में भी हीनयान का ही मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोंटेबजीर या मंडपेश्वर केव, जो ये भी मुंबई में है। मंडपेश्वर केव, देखो शुरू में इसका नाम मंडपेश्वर था, मतलब मंडप ईश्वर, ईश्वर का मंडप, ठीक है। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इस केव का नाम चेंज करके मोंटेबजीर रख दिए, और इसको एक क्रिश्चियन का श्राइन बना दिए, मतलब कि क्रिश्चियन में इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है बाघ केव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाघ केव पहली बात की स्टेट मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर के पास में है, और बाघ रिवर के पास में है। ये एग्ज़ाम में खासकर जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें तो ये डायरेक्टली पूछता है बाघ केव, ठीक है। अराउंड 6 सेंचुरी BC से गुप्ता पीरियड में ये बना था, और ये सिमिलर है लगभग अजंता केव्स के। और 9 सैंड स्टोन बुद्धिस्ट केव विद ब्यूटीफुल फ्रेस्क, मतलब कि जो फ्रेस्को जो पेंटिंग होती है वो यहाँ पे मिला हुआ है, जो वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है बाघ केव, ग्वालियर, नियर ग्वालियर के पास लोकेटेड है, और मध्य प्रदेश में है, और बाघ रिवर के पास है। ये चीज़, ये फैक्ट याद रहना चाहिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ केव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? जूनागढ़ केव का लोकेशन देखें तो सपोज ये गुजरात है, तो गुजरात के यहाँ पे जूनागढ़ केव जो है वो लोकेटेड है, और बहुत इंटरेस्टिंग बुद्धिस्ट केव है ये, ठीक है। और यहाँ पे इनफैक्ट मतलब कि इट इंट्रेंस इज द फॉर्म ऑफ द आर्के इज फाइन स्पेसिमेन ऑफ हिंदू तोरण, ठीक है। ये बुद्धिस्ट केव है, लेकिन इसका जो इंट्रेंस है उसमें हिंदू हिंदू का जो तोरण होता है, जो प्रभाव होता है, वो देखने को मिला है, ठीक है। और मेन फीचर इसका क्या है, अपर कोट। अपर कोट क्या होता है, सपोज ये केव है तो यहाँ पे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है ऊंचा सा, जिस पे लोग आके बैठते थे, ठीक है, इसको अपर कोट बोलते हैं। तो पूछ सकता है यहाँ का मेन फीचर क्या है जूनागढ़ केव का, तो मेन फीचर अपर कोट है, गुजरात में है, ठीक है, जूनागढ़ केव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे केव्स थे, केव्स आर्किटेक्चर थे, जो कि एग्जाम्स में चाहे वो स्टेट PCS का हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे वो ये पूछ लेता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इवन कभी कभी कई केव आर्किटेक्चर में डिफरेंसेस भी करने को मेंस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से सवाल पूछता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा जो है कि नितिन सिंघानिया से होगा, नेक्स्ट सीरीज वो हम जल्दी लेके आएंगे। आज का ये हमारा लेक्चर था।